परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का शिवपुरी दौरा। शिवपुरी में परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज शिवपुरी दौरे पर आए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जोशीला स्वागत किया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उनका शिवपुरी से बेहद लगाव है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में उन्होंने शिवपुरी में काफी समय व्यतीत किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दौरे के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक कोलारस महेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक शिवपुरी माखनलाल राठौर और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनके सवालों का जवाब दिया। शिवपुरी से हमारा, जैसा कि अध्यक्ष जी बोल रहे थे, राजू जी, बहुत पुराना नाता है। कई चुनाव में हम यहाँ रहे हैं और बहुत ही पारिवारिक तरीके से लोगों से हमारा संबंध रहा है, मिलना जुलना रहा है। आज मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा भी विजय रघुवंशी जी बोल रहे थे कि सर्किट हाउस में जाकर, तो सर्किट हाउस संस्कृति को हम छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की संस्कृति सर्किट हाउस वाली होती है, पर भाजपा में जब संस्कृति कार्यालय वाली, कार्यालय माने हम सब एक हैं, एक साथ बैठकर चर्चा करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो भी करना हो एक साथ करें। मैं शिवपुरी आया हूँ, बहुत दिन बाद मेरा शिवपुरी आना हुआ है। मैं शिवपुरी में बहुत दिनों तक संगठन की तरफ से काम करता रहा हूँ। आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से, मित्रों से मिलने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। शिवपुरी की जो भी बात यहाँ आई है, समस्याएं आई हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और अधिकारियों को निर्देश दूँगा। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में, सारे मध्य प्रदेश में अब कुछ दिन बाद वो स्थिति निर्मित होने वाली है कि हमारे आम लोगों के लिए RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।